सो गाइज, आज हम लोग गूगल टेक्स्ट टू स्पीच के एक नए अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ नई लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं और कुछ वॉइसेस ऐड हुई है। आज हमने पंजाबी लैंग्वेज के बारे में बात की है, उसकी सारी वॉइसेस के बारे में बात की है और एक एक वॉइस से रीड भी करवाया है। गाइज, बहुत मजा आने वाला है। एक एक वॉइस इतना बढ़िया एक्सप्रेशन दे रही है कि आपको सुनने में मजा आ जाएगा। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को आप अप टू डेट रखें। अगर आपको प्ले स्टोर में अभी अपडेट नहीं मिला है, या तो आप वेट कर सकते हो या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ओरिजिनल एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो लाइक की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लाइक का बटन जल्दी दबाओ भैया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इन नई वॉइसेस, इन नई लैंग्वेजेस को यूज करने के लिए गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अपडेट रखना है। आपको अगर लास्ट अपडेट 26 अगस्त की दिखा रहा है, सॉरी 26 अक्टूबर की दिखा रहा है, तो आपको जो है वेट करना है। नहीं तो आपको जो इसका ओरिजिनल एपीके है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो, ओरिजिनल एपीके है, आप उसी पर अपडेट कर सकते हो। नहीं तो आप वेट भी कर सकते हो, आपको ऑफिशियली अपडेट देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐड हुई है। तो देखिए, इसमें जो है बहुत सारी लैंग्वेज जो ऐड हुई हैं, लेकिन जो हमारे काम की लगी मुझे, जो मोस्ट मतलब जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, वो पंजाबी ऐड हुई है, जो कि मेरे को भी बहुत ज़्यादा टाइम से इंतज़ार था कि पंजाबी लैंग्वेज गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में ऐड हो। और आप ये सभी जानते हैं, गूगल है तो कितनी क्लियर वॉइसेज होंगी। और इसका अल्टरनेटिव था एक ई स्पीक से हम पंजाबी रीड करते थे पहले, लेकिन उसकी तो हमें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन गाइज, इसकी जो पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हुई है वो आपको क्लियरली समझ आने वाली है। बाकी इसमें जो है इंग्लिश यूएस में भी एक दो वॉइसेज नई ऐड हुई हैं, और यूके में मुझे मिली तो नहीं कोई, बट हो सकता है एक दो ऐड हुई हो, क्योंकि वॉइसेज जो है काफ़ी सिमिलर लग रही है, मेरे को मिली नहीं। तो पंजाबी लैंग्वेज को अभी हम देखते हैं जो यहाँ पर नई ऐड हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टेक्स्ट टू स्पीच को अपडेट करना है गूगल वाले को। उसके बाद हम सबसे पहले इसको डिफॉल्ट टीटीएस बनाते हैं और हम रीड करके भी देखेंगे, और जितनी भी नई वॉइसेज हैं सबको देखेंगे, है ना। चार वॉइसेज हैं लगभग पंजाबी में, तो उन चारों से हम रीड करवा कर देखेंगे और मैं अपना बताऊंगा, मेरा ओपिनियन कि सबसे बढ़िया मुझे कौन सी वॉइस लगी। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में आ गया। प्रिफर्ड इंजन में जो है हम text prefer that auto tts checked speech services by google को default बनाएंगे। speech services by google checked, ठीक है। 55 50 default, तो ये हमारी अब text to speech start हो गई। तो अब अपडेट कर लिया आपने, डिफॉल्ट बना लिया, उसके बाद आपको चलना है सेटिंग्स में, प्रेफर्ड एंड सेटिंग्स गूगल टीटीएस ऑप्शंस, और यहां पर आपको चलना है इंस्टॉल वॉइस डेटा में, इंस्टॉल वॉइस डेटा Google TTS voice data। अब यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस आ गई। आप जो है इंग्लिश यूएस में देख सकते हो एक एक वॉइस को प्ले करके कौन सी नई ऐड हुई है, और यूके में भी आप देख सकते हो, अगर आपको कोई नई ऐड मिलती है तो अच्छा है, बाकी तो आप पहले वाली भी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हमको चलना है नई लैंग्वेजेस में, यानी कि पंजाबी में हम चलेंगे जो कि नई ऐड हुई check, है। check, yeah. स्वाइप करेंगे, इंडोनेशियन, जापानी पे पहुंचेंगे, रशियन, रोमानियन, पंजाबी, इंडिया। पंजाबी इंडिया यहाँ पर लैंग्वेज ऐड हुई है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, पंजाबी इंडिया वॉइसेस, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको मिलेगा डाउनलोड वॉइस डेटा, उस पर आपको क्लिक करना है, कुछ टाइम का वेट करना है, जब आपकी ये वॉइस डाउनलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉइस आई है, वॉइस आई, ठीक है। इसको हम प्ले सैंपल करेंगे, रेडियो प्ले, ये पंजाबी में छह उदाहरण है, है ना, ये वाली सबसे पहली वॉइस है, वॉइस टू, वॉइस टू देखेंगे, ये पंजाबी विच एक उदाहरण है, ठीक है। अभी हम इन वॉइसेस से रीड भी करवाएंगे टेक्स्ट, अभी सिर्फ सैंपल सुन रहे हैं, वॉइस थ्री सुनते हैं, ये पंजाबी विच एक उदाहरण है, ठीक है, वॉइस आई वी, और अगली सुनते हैं आई वी फोर्थ, ये पंजाबी विच एक उदाहरण है, है ना। कुल मिलाकर चार वॉइसेस यहाँ पर ऐड हुई है। तो अब आपको इनमें से जो भी फिलहाल के लिए पसंद आ रही है उसको आप डिफॉल्ट बनाओ। चलिए मैं सबसे पहले पहली वॉइस को डिफॉल्ट बनाता हूँ, वॉइस आई, इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये मेरी वॉइस डिफॉल्ट बन गई। चलिए अब हम जो है इस वॉइस से पंजाबी टेक्स्ट रीड करवाते हैं, फिर बाकी की तीन वॉइस से भी रीड करवाएंगे। वही नोटपैड में टेक्स्ट रखा है मेरे पास, चलिए रीड करते हैं, पंजाबी कविता आओ पढ़िए, पंजाबी कविता आओ पढ़िए, साग बारे लिखण नु पंजाबी मेरी जान, पंजाबी कवितावा गजला बरार जैसी, पंजाबी कविता कवितावा कवि पंजाबी पॉडरी टेक्स्ट बॉकस,
है ना, इस तरह से ये रीड कर रहा है टेक्स्ट बॉकस। तो इंग्लिश जो है ये अजीब सी रीड करेगा पंजाबी, लेकिन पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं टेक्स्ट बॉकस, है ना। तो ये इंग्लिश भी अच्छी रीड कर रहा है, मतलब पंजाबी से यहाँ पर पंजाबी जैसी फीलिंग आ रही है। तो देख रहे हो आप कितना क्लियर रीड कर रहा है ना। ये एक मैंने ऐसे छोटा सा टेक्स्ट कॉपी किया था पंजाबी कविता आपको सुनाने के लिए। और यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेजेस में जाना है सबसे पहले, अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज सेट करना चाहते हो। मेरी जो अभी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज हुआ है यूज सिस्टम लैंग्वेज, तो मेरा गूगल TTS जो है हिंदी इंग्लिश सब रीड करता है। अगर आप चाहो तो इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, जो सेटिंग्स के बाद ऑप्शन आता है वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो आपने देखा जो पहली वाली वॉइस है कितनी बढ़िया यहाँ पर ये पंजाबी रीड कर रहा है। क्रिएट नाउ पंजाबी कविता, आओ पढ़िए। और गाइज एक सेकंड में रीड कर रहा है, देखिए पंजाबी कविता है ना, देखिए पंजाबी कविता, मतलब फिंगर रखते ही रीड कर रहा है, कितना फास्ट भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर पंजाबी में भी और वॉइसेस ऐड होंगी, अभी चार है, आगे जाकर आठ भी ऐड होंगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। तो इस तरह से ये पहली वॉइस रीड कर रही है, आपने देखा। तो मुझे तो ये वॉइस अच्छी लगी काफी, एक्सप्रेशंस के साथ रीड कर रही है, फीलिंग दे देकर। तो अभी दूसरी वॉइस देखते हैं। पॉइंट आउट पैड अनलॉक जस्ट ओवरव्यू नेविगेट अप पंजाबी वॉइस 2 वॉइस 2 वॉइस 2 को डिफॉल्ट बनाएंगे और ओआई नोटपैड में चलेंगे। ओवरव्यू पंजाबी कविता, आओ पढ़िए पंजाबी कविता, आओ पढ़िए साग बारे लिखनु पंजाबी मेरी जान, पंजाबी कवितावां गजलां बरार जैसी, पंजाबी कविता कवितावां कवि पंजाबी पॉटरी टेक्स्ट बॉकस। ये तो मतलब अच्छा लग रहा है, ये भी फीलिंग दे दे, ओहो मेरी बैटरी लो गई, ये भी फीलिंग दे देकर बोल रहा है, मासूम सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है नीचे सिर करके बोल रहा है। तो ये भी मेरे को काफी अच्छी वॉइस लगी, मुझे अभी दोनों वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। और आप प्रोनाउंसिएशन की तो एक भी परसेंट प्रॉब्लम लगी नहीं है, एकदम क्लियर वॉइस रीड कर रहे हैं। नॉट नाउ करेंगे, है ना, ये भी देखिए एक सेकंड में पढ़ रहा है पंजाबी पंजाबी पंजाबी, है ना, फिंगर रखते ही पढ़ रहा है। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी मेरे को, बहुत फास्ट लैंग्वेज यहाँ पर ऐड हुई है। आप जो है फीडबैक देते रहो कि इसको थोड़ा सा और फास्ट करो। गाइज अगर ये TTS फास्ट हो जाए ना बस, और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई यहाँ पर फ्री का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गूगल TTS ही हम लोग यूज़ करेंगे, बस ये फास्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो फॉरवर्डिंग वाली भी समस्या नहीं है, बस इसको थोड़ा सा फीडबैक दो कि इसमें और लैंग्वेज को फास्ट करो, बस आपको और किसी TTS की आवश्यकता ही नहीं है। वॉइस 3 करेंगे, ठीक है, ये 3 वॉइस है, अब इसको सुनते हैं। ओवरव्यू क्रिएट नोट पंजाबी कविता, आओ पढ़िए पंजाबी कविता, आओ पढ़िए साग बारे लिखनु पंजाबी मेरी जान, पंजाबी कवितावां गजला परार जैसी, पंजाबी कविता कवितावां कवि पंजाबी पॉटरी। ये तो ऐसा लग रहा है फोन पे बात कर रही है, बाकी ये भी ठीक ठाक है ना, मेरे को इतनी पसंद तो नहीं आई जितनी पहली और दूसरी आई, बस ठीक ठाक कहूँगा, है ना। आपको पसंद आ सकती है तो अच्छी बात है, ये भी नीचे सिर झुका कर बात कर रही है हमसे, बाकी ठीक है। ये भी देखिए फास्ट है, पंजाबी है ना, फिंगर रखते ही जो है रीड हो रहा है। अब लास्ट वॉइस रह गई, उसके बाद बात करेंगे कंक्लूजन। वॉइस IV पर क्लिक करेंगे, पंजाबी कविता, आओ पढ़िए पंजाबी कविता, आओ पढ़िए साग बारे, सांस भी ले रहा है ये तो, भाई इसमें तो जान आ गई। तो आप देखिए सांस भी ले रहा है, गाइस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पंजाबी कविता, आओ पढ़िए पंजाबी कविता, आओ पढ़िए साग बारे लिखनु पंजाबी मेरी जान, पंजाबी कवितावां गजलां बरार जैसी, पंजाबी कविता कवितावां कवि पंजाबी पॉटरी। माई फेवरेट, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा तीनों वॉइसिस में से, पहले वाली भी बहुत अच्छी, पहली और चौथी। अगर मैं फीमेल में बात करूँ तो मेरे को फर्स्ट वॉइस बहुत अच्छी लगी, वो एक्सप्रेशंस के साथ रीड कर रही है, बाकी दूसरी और तीसरी तो सिर झुकाकर बात कर रहे हैं, उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी नहीं गाइज सेकेंड वॉइस भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, और चौथी वॉइस का तो कोई जवाब ही नहीं है, इसमें बेस भी है और सब है, मतलब एक्सप्रेशन भी दे रहा है और बहुत बड़ा ही मतलब क्लियर रीड कर रहा है, वो सांस भी ले रहा है, ह्यूमन लग रहा है, एकदम ह्यूमन वॉइस लगी मेरे को तो लास्ट वाली। गाइस देखिए बस इसमें जो है थोड़ा सा डिले है ना, ये थोड़ा सा अगर हम तीनों वॉइसेस के कंपैरिजन में देखें तो ये थोड़ा सा लेट रीड कर रहा है, एक सेकंड देखिए, वो तो फिंगर रखते रीड कर रहे थे, है ना, ये थोड़ा सा लेट है। अब भैया अच्छा है तो थोड़ा सा लेट तो होगा ही ना, है ना, लेकिन अगर लेट भी है तो मुझे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इतना भी लेट नहीं है कि हम मतलब इसको एक्सेस ही ना कर पाए। चलिए बैक करेंगे। तो कुल मिलाकर गाइज मुझे तो चौथी और पहली वॉइस बहुत बढ़िया लगी, बाकी तीसरी और दूसरी भी बढ़िया है। अब आप कमेंट करके बताओ आपको वॉइसेस कैसी लगी,
उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मजा आया होगा और आप भी खुश हो गए होंगे। पंजाबी वॉइस यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज ऐड हो गई है, जो कि बहुत मुझे तो ज़रूरत थी। मैं अगर अपने पर्सनली बात करूँ तो मुझे तो बहुत ज़रूरत थी। बाकी आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। चौथी वॉइस में थोड़ी सी लेटेंसी है बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना सभी लोगों के साथ जिनको भी पंजाबी लैंग्वेज की ज़रूरत थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाकी आप इंग्लिश यूएस और इंग्लिश यूके को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें कौन सी वॉइस नई ऐड हुई है। मैंने तो देखा बट मुझे सारी वॉइसेज जो है पुरानी ही लगी, सिमिलर ही लगी, बट हो सकता है एक दो वॉइसेज ऐड भी हुई हो, आप एक्सप्लोर कर लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, स्पेशल टेंट ऑफ ब्लाइंड में भी आप जुड़ सकते हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, एक ही ऐप प्लेटफॉर्म पर आपको सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को अपडेट रखें, आप एपी की जो है टेलीग्राम से भी ले सकते हो अगर आपको प्ले स्टोर में अपडेट नहीं मिली है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।